नमस्कार, बीकेटेच स्टूडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूट्यूब के 5 ऐसे गुप्त सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ जिसका आप डेली यूज करते हैं लेकिन वो गजब की चीज़ आपको नहीं पता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए। आपको सबसे पहले यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब में आपको यहाँ से कोई भी आपको म्यूजिक अच्छा लगता है, कोई भी भजन या, तो उसको कैसे हम MP3 में यहाँ पर चला सकते हैं उसको मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। कोई भी वीडियो आप यहाँ से ले चला सकते हैं। तो आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद यहाँ से आप भजन, गाना, फिल्में या कोई भी बिरहा आप यहाँ से आसानी से सुन सकते हैं, जैसे ही MP3 में चलता है। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको वीडियो को यहाँ पर सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करेंगे इस तरह से आपके सामने वो वीडियो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें ऊपर में ही कॉर्नर में 3 बिंदु दिखाई दे रहे, उस पर हमें क्लिक करके डेस्कटॉप साइड मोड में हमें ओपन कर लेना है। तो चलिए, यहाँ पर 3 बिंदु पर क्लिक करने के बाद हम डेस्कटॉप साइड में कर लेते हैं तो हमारा इंटरफेस इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें जो भी आपको वीडियो अच्छी लगे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके आपका जो भी गाना है आपको उस वीडियो पर आपको क्लिक करना होगा। उस वीडियो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से वह गाना आपको यहाँ पर प्ले हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, अपने मोबाइल की होम बटन, आपके मोबाइल का जो भी होम बटन है, किसी में बीच में रहता है, किसी में लेफ्ट में फर्स्ट रहता है, उसको आपको डायरेक्ट दबा देना है। इस तरह से आप बाहर आ जाएंगे। अब आपको ऊपर से स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ पर आपको वो आपका जो भी आपने वीडियो सेलेक्ट किए थे इस तरह से दिखाई देगा। आपको बीच में बटन जो है उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी म्यूजिक, जो भी आपने वीडियो को वहाँ पर सेलेक्ट किए थे, आपको यहाँ पर म्यूजिक चालू हो जाएगा। तो आप आसानी से कोई भी यूट्यूब से आप यहाँ पर म्यूजिक चला सकते हैं। आपका वीडियो नहीं चलेगा, ओनली म्यूजिक ही चलेगा। तो इस तरह से देखिए, अगर आप स्क्रीन लॉक भी हो जाता है तब भी यहाँ पर आपका म्यूजिक चलता रहेगा। तो बड़ी ही गजब की और कमाल की इंटरफेस है। आपको यहाँ पर अब मैं अपना स्क्रीन लॉक ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से आपको उसको डायरेक्ट यहाँ से कट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने स्क्रीन लॉक को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बगल में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। अब यहाँ पर हम चलिए, आपको जैसे हमारा स्क्रीन लॉक ओपन हो चुका है, अब हम इसको स्लाइड करते हैं, ऊपर से इसको स्लाइड करते हुए नीचे जाएंगे। अब यहाँ से हमें इसको बंद करके इसको हम स्लाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक यह लेफ्ट राइट अगर स्लाइड करेंगे तो यह कट जाएगा। तो इसी तरह से यह बहुत ही गजब का फीचर्स है। फर्स्ट, इसको आप अपने मोबाइल यूट्यूब में भी कोई भी म्यूजिक आप आसानी से चला सकते हैं। जो भी आपको अगर वीडियो है उसको आप म्यूजिक में आप आसानी से चला करके सुन सकते हैं। तो इससे गजब अब दूसरा सेटिंग और आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने स्लाइड किया यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ से हम इसको बैक होते हैं, अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम अपने होम स्क्रीन पर आ जाने के बाद अब हमें यहाँ पर जो भी फीचर्स है उसके बारे में नेक्स्ट सेटिंग जो है आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो सिंपली यहाँ पर जैसे ही आपने फर्स्ट पर क्रोम को ओपन किया था उसी तरह से यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है आपका जो भी वीडियो है। तो यहाँ पर हमें अपना जो भी है यूट्यूब को यहाँ पर वीडियो को सर्च कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर यूट्यूब ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम 3 डॉट पर क्लिक करके डेस्कटॉप साइड मोड में कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर डेस्कटॉप साइड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपने जो भी है मनपसंद आपकी वीडियो को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कोई भी वीडियो आप देखना सकते हैं, कोई भी वर्क आप मोबाइल में कर सकते हैं और आपकी वीडियो भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। चलिए, हम अपने यहाँ पर चैनल को सर्च कर ले रहा हूँ। मैं अपने चैनल की ही वीडियो को यहाँ पर चालू करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट में ऊपर में ही हम अपनी फर्स्ट या सेकंड यहाँ से कोई भी वीडियो आप जो भी आपके मन में है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, हम यहाँ पर सेकंड नंबर की वीडियो को सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ पर हमें नीचे हमें जूम का कॉर्नर पे हमें जूम का ऑप्शन यहाँ पर देखिए, वीडियो के कॉर्नर में हमें जूम का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर सिंपली हमें क्लिक करना है। तो वहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर थोड़ा देर वेट कर लेना है, आपके मोबाइल की स्पीड के ऊपर ये निर्भर करता है। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर ये इंटरफेस आ चुका है। अब हमें यहाँ पर होम, आपकी मोबाइल की स्क्रीन का जो
होम बटन है उसी को आपको यहाँ पर दबा देना है। तो चलिए हम यहाँ पर फाइनली अपने होम बटन को यहाँ पर दबा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मिनिमाइज छोटा वीडियो यहाँ पर हमारे सामने प्ले हो चुका है। इसको हम इसको स्लाइड करके किधर भी रख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से कोई भी। अब हम कोई भी ऐप से यहाँ से ओपन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए हम अपना व्हाट्सएप को ओपन करके यहाँ से मैं चार्ट करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही अपने व्हाट्सएप को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा हमारा नेट स्लो है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर आप पहली बार हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बगल में बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जो भी हमने वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे और मैं आपको अच्छे अच्छे कंटेंट इसी तरह से देने की कोशिश करता रहता हूँ। तो यहाँ पर हम चलिए अपनी ग्रुप को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। बीके टेक स्टूडियो के नाम से मेरा ग्रुप भी है व्हाट्सएप में और यहाँ पर मैं एक छोटा सा चैट कमेंट यहाँ पर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर चलिए हम उस आइकन पर हमें क्लिक कर देना हो, जैसे हम सिंपली कोई भी व्हाट्सएप सेंड करते हैं किसी को भी। यहाँ पर चलिए हम हाई लिख के सेंड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही टिक करेंगे हमारे सामने हमारा कीबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हाई। तो यहाँ पर हमें हाई लिख देना है, उसके बाद हमें यहाँ पर सेंड का जो भी बटन है हमें यहाँ पर ग्रीन बटन को हमें टाइप कर देना है। तो यहाँ पर देखिए यह मैसेज सेंड हो चुका। आप यहाँ से कोई भी और वर्क कर सकते हैं, आपका मनपसंद की वीडियो ऊपर में चलती रहेगी। अगर कोई भी आप यहाँ पर जैसे आप कोचिंग क्लास कर रहे हैं वो भी आप इसी तरह से आप करके और यहाँ पर अपने मोबाइल में रीजनिंग भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का फीचर है। इसको आपको कट करना होगा तो इसको, अगर आप इसको कट करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। अगर आपको फर्स्ट क्लिक करने पे नहीं आती है तो दो बार आपको लगातार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में आपको क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे हमारे सामने ऊपर क्लोज का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यह हमारा पेज जो है कट जाएगा। तो इसी तरह से यह दूसरा सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। अभी हमारा नेक्स्ट सेटिंग जो है वह बहुत ही गजब की इंटरफेस है, उसको मैं आपको यहाँ पर बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको YouTube को ओपन कर लेना है। सिंपली आपको YouTube से ही रिलेटेड सभी टिप्स हैं तो YouTube को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें जो भी किसी को हमें कोई भी कमेंट अगर करना है तो उस वीडियो को हमें सेलेक्ट कर लेना है और उनके कमेंट बॉक्स को हमें खोल लेना है। चलिए हम यहाँ पर कमेंट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कमेंट के बारे में कैसे लिखना है बहुत ही हजारों प्रकार से अलग स्टाइल में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रथम मैं आपको यहाँ पर फर्स्ट बताने वाला हूँ, आपको स्टार टाइप करना है, उसके बाद आपको जो भी कमेंट में लिखना हो वो टाइप कर देना है और फिर स्टार आपको लगा के और सेंड कर देना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर सेंड किए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाले कमेंट से हमारा ऊपर वाला जो हमने कमेंट किया है वह बोल्ड हो गया है और यह थोड़ा और भी ब्लैक हो चुका है। यह फर्स्ट ट्रिक हो गई है। दूसरी सेटिंग है आपको अपने कीबोर्ड में ओपन कर लेना है और यहाँ पर भी आपको अपने कीबोर्ड के इस वाले ऐप्स को जो है वह एंड वाले के बगल का जो है इसको ले लेना है और यहाँ पर आपको कोई भी अगर आप यहाँ पर कमेंट कुछ भी आप लिखना चाहते हैं लिख करके फिर उसी आप सिंबल को यहाँ पर लगा देना है। तो जैसे ही उसी आपको यहाँ पर देखिए हमने फर्स्ट में लगाए थे, सेकंड में लगा दिए हैं, अब हम यहाँ पर इस कमेंट को सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए यह दूसरे प्रकार के स्टाइल में कितना गजब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आपको और भी अच्छे और भी स्टाइल में यहाँ पर आपको कमेंट करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से हम इस पेज से बैक हो जाते हैं, यहाँ से हमें डायरेक्ट मिनिमाइज हो जाना है और हमें चलना है अपने क्रोम ब्राउजर में। तो चलिए हम आपको क्रोम ब्राउजर में ले जा रहे हैं। क्रोम ब्राउजर में यहाँ पर हमें आते हैं, क्रोम ब्राउजर को हमें ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर हमें लॉन्ग जॉम सर्च कर लेना है, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसके इजली और इस लिंक पर जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने फर्स्ट में ही यह वेबसाइट ओपन आ चुकी है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर हम फर्स्ट लिंक पर हमें क्लिक करना है। तो फर्स्ट लिंक पर हम सिंपली हमें क्लिक करना है। तो चलिए हम फर्स्ट लिंक पर आप जैसे ही यहाँ पर हमें क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह से दूसरा इंटरफेस ओपन होता है। अब ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट गो हियर, तो यहाँ पर हमें नॉर्मल टेक्स्ट हम जो भी लिखेंगे और इधर हमें राइट साइड में हमें इस वह जो भी हमें स्टाइल चाहिए वहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं हाई फ्रेंड,
तो यहाँ पर देखिए बहुत प्रकार की, यहाँ पर आपको कोई भी स्टाइल, जितना भी आपको स्टाइल चाहिए यहाँ पर आपको अवेलेबल है। आप कोई भी कमेंट व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब पे या कोई भी मैसेज आप यहाँ से इजीली, आप यहाँ पर जैसे ही टाइप करेंगे इसमें आपको मॉडल और स्टाइल कितना गजब का इंटरफेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी पसंद लगे आपको स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे ऊपर देख सकते हैं। और यहाँ पर चलिए हम इसको ही सेलेक्ट कर लेते हैं, हाय फ्रेंड, इसको आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसको सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद स्पेस से आपको यहाँ पर देखिए हमने कॉपी कर लेते हैं, सेलेक्ट करके हमें कॉपी कर लेना है और स्पेस से हम मिनिमाइज हो जाते हैं और चलते हैं आप अपने यूट्यूब में। यूट्यूब में आने के बाद हमें अपने यूट्यूब को ओपन कर लेना है। अगर जिस भी किसी भी को हमें वह अच्छा वीडियो हम देखते हैं उसके चैनल को हमें ओपन कर लेना है, उसकी वीडियो को और उसके कमेंट को हमें ओपन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पर अपने किसी भी एक फेवरेट यूट्यूबर को यहाँ पर देख लेते हैं और यहाँ पर हम उसकी वीडियो को ओपन करके और यहाँ पर हम उसके कमेंट में इस मैसेज को हम सेंड करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, इनको वीडियो को हमने सेलेक्ट कर लिया हूँ और यहाँ पे मैं इनके कमेंट बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम एक ऐड है, इसको ऐड को कट कर देते हैं और यहाँ पर हम कमेंट बॉक्स को इनको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर हमें थोड़ा देर प्रेस करते रहना है इस तरह से। देखिए हमारे सामने आ गया, हम इसको पेस्ट कर दिए हैं और यहाँ पर हम सेंड कर दिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आप कोई भी स्टाइल में, यहाँ पर गजब की स्टाइल में आप वहाँ से ईजिली जैसे ही आप लिखेंगे आपको राइट साइड में आपको वहाँ पर इंटरफेस मिल जाएगा। तो इसी तरह से बहुत ही गजब का इंटरफेस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया नेक्स्ट, अब चलते हैं हम आपको नेक्स्ट जो सेटिंग है बहुत ही गजब की सेटिंग वो भी है, उसके बारे में और थोड़ा मैं डिटेल से आपको बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप यूट्यूब खोलते हैं आपको अगर कोई अश्लील कोई भी आप नहीं उसको गंदी सीन अगर आ जाती है, आपको जैसे थंबनेल में लगा देते हैं और कोई भी वीडियो अगर आपको बार बार यूट्यूब रिकमेंड कर रहा है तो उसको आपको कैसे अपने यूट्यूब के होम स्क्रीन से अपने जो आप कोई भी अगर गलती से वीडियो ओपन कर दे रहे हैं उसका नोटिफिकेशन आपको बार बार आ रहा है यूट्यूब में, तो उसको कैसे हटाना है उसको मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो आपको पहले आपको अपना यूट्यूब को ओपन कर लेना है। यूट्यूब को ओपन कर लेने के बाद यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैं कोई एक वीडियो यहाँ पर ले लेता हूँ और उस वीडियो को कैसे हम अपने यूट्यूब के डैशबोर्ड से यहाँ पर हटाने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे जाएंगे, यहाँ पर इस वीडियो ऊपर वाली जो है उस पर हमें थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, उस पर हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने इस तरह से पेज एक पॉपअप आ जाएगा, तो हमें नीचे से दूसरे नंबर पर रिपीट के ऊपर दिखाई दे रहा है डोंट रिकमेंडेड चैनल, तो हमें सिंपली उस पर क्लिक करना है। डोंट रिकमेंडेड चैनल पे हमें क्लिक करना है, तो जैसे हम यहाँ पर टिक करेंगे तो यह वीडियो हमारे YouTube के होम स्क्रीन से यहाँ से वह डिलीट हो जाएगी। वह वीडियो उस चैनल की कोई भी वीडियो अब हमारे YouTube के होम स्क्रीन पे नहीं आएगी। बहुत ही गजब का ये भी सेटिंग है, आपका कोई भी अगर गलती से ओपन कर देते हैं तो वह आपको बार बार आपके मोबाइल पर नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद।